सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी की संसद में वापसी होगी तो कैसे होगी, इसे लेकर सबकी निगाहें अब स्पीकर ओम बिरला पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी को भी ओम बिरला के जवाब का इंतजार है, जिसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने साफ किया कि उन्होंने ओम बिरला से बात की है। उन्होंने कहा है कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बीच मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका रिएक्शन आया है। उनका रिएक्शन थोड़ा सा हैरान करने वाला आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के लिए ये राहत नहीं बल्कि ये आफत है। कैसे, क्या है पूरा बयान और पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट के अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत है, अब ये राहत है या आपत। आगे उन्होंने क्या कहा, उनके पूरे बयान के जरिए समझिए। मनोज तिवारी ने कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो अभी कोर्ट से जाकर निवेदन और प्रार्थना किया, यही काम वो पहले जाकर कर लेते तो निश्चित रूप से इस तरह का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका होता। लेकिन राहुल गांधी अपने घमंड में इतना चूर हैं कि उन्हें लगता है कि कोर्ट के सामने अपनी बेगुनाही के लिए माफी मांगने से उनका अहंकार कम हो जाएगा। तो मैं इस पर इतना ही कहूंगा कि इस देश में कानून का भी राज है और लोकतंत्र भी है। इसके आगे मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी जो दुनिया भर में जाकर कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं, तो इसका एक ये भी उदाहरण है कि उनको यही सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली। अब ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट से राहत है या आफत है, ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि क्या राहुल गांधी की संसद में वापसी हो पाएगी, तो इसे लेकर सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया और साथ ही इसमें एक ट्रिक भी बता दी। मनोज तिवारी ने कहा, जहां तक मुझे पता है अभी स्टे हुआ है, फैसला नहीं हुआ है, तो जो केस चल रहा है अगर उस पर फैसला आ जाएगा तो स्टे हट जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर अभी भी ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी के लिए संसद के रास्ते अभी क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर जोर दे रही है। ओम बिरला से भी मुलाकात की गई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए लाया गया है, उस मौके पर राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद रहें, इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हालांकि खबर यह भी है कि ओम बिरला के ऑफिस को, स्पीकर को इस चीज का इंतजार है कि कब उनके पास सुप्रीम कोर्ट की कॉपी पहुंचेगी। हालांकि अधीर रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि ओम बिरला ने उनसे कहा है कि देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी होगी, और मनोज तिवारी ने जो रिएक्शन दिया कि ये राहत नहीं आफत है, अभी किसके लिए आफत है, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।